الحمد لله الذي هدانا سبع الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لغدتي من لساني يفقهوا قولي باب العلم انواريا एजुकेशनल सोसाइटी वजामिया अनवारिया हैदराबाद इंडिया के ज़ेर ए इhtmम kutubi tasdeeqat ka dars alhamdulillah किस्तवार जारी है आज का दर्स वहाज ही नस्बा इनकान नस्बा बेहसी से वाबस्ता है पिछले सबक में आपने समात फरमाया कि कजिय हमलिया के तीन अज्जा हैं मौजू महमूल और इन दोनों के दरमियान की नस्बत जिस नस्बत की वजह से महमूल मौजू से मरतबित होता है ये तीसरा जज् था शॉर्ट में ताबीर के लिए नस्बत हुक्मियाँ बोलिए उसके ऊपर दलालत करने वाले लफ्स को रब्ता बोलिए इन तीन अज़ा से कज़िय हमलिया मरक्ब होता है तो इन तीन अज़ा में एक नस्बत हुमिया है अब यहाँ नस्बत हुक्मिया के अतबार से बताना चाह रहे हैं कि किज़ हमलिया की तो किस्में मूजबा और सालबा कि ये नस्बत अगर ईजा है तो कज़ीय हमलिया मूजबा है सल भी है तो कज़ी हमलिया शालबा है शरह में मैं गुफ्तु करूँगा यहाँ मुसनफ़ कुछ कह रहे हैं मतन में सिर्फ उसका तर्जमा रखता हूँ शरह में गुफगू करूँगा काल मुसनफ़ ने कहा मातिन ने कहा और यह नस्बत जिस पर हमलिया मुश्तमिल हुआ करता है अगर ऐसी नस्बत है कि यहाँ अलमौु व महमूल कहा जाना सही है तो कजिया मूजबा है जैसे हमारा कौल हैवान के ये बोला जाना सही है कि अल अंसान हैवान तो ये कजिया मूजबा है और अगर ऐसी नस्बत है जहाँ ये कहा जाना सही है कि मौजू महमूल नहीं है जैसे अल-इंसानों लैसा बेहजर तो ये कजिया सालिबा है और अगर ऐसी नस्बत है जहाँ ये कहा जाना दुरुस्त हो कि मौज़ महमूल नहीं है तो कज़िया सालबा है जैसे इंसान हजर नहीं है अकूल। अब यहाँ से शारिक कॉल शुरू हो रहा है ये क़़ीय हमलिया की दूसरी तकसीम है नस्बत हुक्मिया के अतबार से जिस पर अभी मैंने गुफ्तु किया जो मौजूद और महमूल के दरमियान की नस्बत होती जिस नस्बत से महमूल मौजू से मुरतबित होता कनेक्ट होता नस्बत हुक्मिया के अतबार से उस नस्बत हुक्मिया के अतबार से जो राबा का मदलूल है जैसे आपने कहा मिसाल के तौर पर जैद उनहालम तो जैद मौजू है आलिम महमूल है रबता है ये रा किस पर दलालत कर रहा नस्बत हुक्मिया पर तो रा दाल हुआ नस्बत हुक्मिया मदलूल है इसी को कह रहे हैं कि नस्बत हुक्मिया के अतबार से तकसीम है वो नस्बत हुक्मिया जो राबा का मदलूल है जिसके ऊपर रबा दलालत करता है अब ये जो तकसीम है शारे मतन की शरह में जो कुछ कह रहे हैं उसे तो हम बयान करेंगे ही लेकिन असल नफ़ मसला को मैं बयान कर रहा हूँ कि क़िए हमलिया की दो किस्में हैं मुझबा और सालबा सबूत शे ले शे का हुक्म है या नफ़ी सबूत शे ले शे का हुक्म होगा कजिया में या नफी शे अनशय का हुक्म होगा अगर सबूत शे ले शै का हुक्म है तो कजिया मूजबा है अगर नफ़ी शे अनशय का हुक्म है तो कजिया सालबा है बूत ले शे यानी एक चीज़ एक चीज़ साबित मानी गई है दूसरी चीज़ के लिए तो यहबूत शैल शे है यह, यह मूजबा है मिसाल के तौर पर आप कहिए जैदुनआलम तो यहाँ सबूत ले शे है कैसे आलमियत आलिम होना इसे साबित माना गया है जैद के लिए तो एक चीज एक चीज का सबूत है दूसरी चीज के लिए यही सबूत शहले शह है ऐसा हुक्म हो तो मौजबा है और अगर नफी शे अनशे का हुक्म है तो वो कजिया है जैसे जैद अंधा नहीं है यहाँ नफी शय अनशय है यानी एक चीज़ की नफी की गई एक चीज़ बरतरफ मानी गई दूसरी चीज़ से देखिए जैद अंधा नहीं है जैद उल्लही सब आम आप तो यहाँ अंधापन की नफी की गई है जैद से अंधापन को बरतरफ माना गया है जैद से ये नफी शशे है तो असल मसला इतना है इस बात को आप समझ लीजिए अब इसको समझाने के लिए मुसनफ़ क्या इबारत ला रहे हैं शार क्या इबारत ला रहे हैं उस इबारत को बाद में समझेंगे मगर असल मसला सिर्फ़ इतना है कि किज़ी हमलिया की दो किस्म है मूजबा और सालबा मूजबा आपने समझ लिया कि मूजबा वो कज़ीय हमलिया है जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए साबित मानी गई जैसे कि जैद नाली और साल वो कज़िया हमलिया है जिसमें एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी की गई जैसे जैदालाईसब आमा जैद अंधा नहीं है ये नफ्स मसला है अब इसी बात को मुसन्फ़ ने यह बयान किया कि देखो मूजबा कौन सा कज़िया है कज़िया हमलिया में जो नस्बत है अगर ऐसी नस्बत है कि वहाँ अलमु व महमूल बोला जाना सही है तो मूजबा है जैसे अंसान व हैवान यहाँ एक नस्बत है एक नस्बत है और ऐसा बोला जाना सही है कि इंसान हैवान है तो ये कजिया मूजबा है और अगर ऐसी नस्बत है कजिया के अंदर कि ये बोला जाना सही है कि मौजू महमूल नहीं है तो ये कजिया सालबा है जैसे कि जैद अंधा नहीं है जैद अंधा नहीं है इंसान हजर नहीं है यहाँ जो नस्बत है ये बोला जाना सही है कि ऐसा नहीं है यानी मौजू महमूल नहीं है तो ये कजीये ालवाबा सुन ले तो इस बात को शारे इसी अंदाज से समझाया समझा रहे हैं जो जिस अंदाज से मैं आपके सामने बयान किया मगर मगर शर्े का कहना है कि ये तारीफ़ जामे नहीं है हमलिया और शर्तिया की तारीफ़ जामे नहीं है। तारीफ़ के लिए शर्त है कि वो जामे हो और ये तारीफ़ जामे नहीं है क्यों क्योंकि हमलिया मुजबा सादिका भी होता है काजिबा भी होता है हमलिया सालबा सादिका भी होता है काजिबा भी होता है दोनों तरह है। इन्होंने जो तारीफ़ की वो हमलिया मुजबा सादिका को हमलिया सालबा सादिका को तो शामिल है मगर हमलिया मूजबा काजिबा हमलिया शालबा काज़िबा को शामिल नहीं है तो तारीफ़ जामे नहीं हुई अब इनकी तारीफ हमलिया मूजबा शालिबा को सादिक नहीं है क्योंकि हमलिया मूजबा काज़िबा को शामिल नहीं क्योंकि मिसाल के तौर पे देखिए हमारा ये कौल अंसान हजर इंसान हजर है ये कज़िय हमलिया मुजबा है क्योंकि सोबूत शैल शे का हुक्म है तो कज़ीय हमलिया मूजबा है मगर इनकी तारीफ इसको शामिल नहीं क्योंकि यहाँ जो नस्बत है हज़रियत की नस्बत इंसान की तरफ ऐसी नस्बत नहीं है कि ये बोला जाना सही हो कि मौज़ महमूल है ये बोला जाना सही हो कि इंसान हजर है ये बोला जाना सही नहीं है तो तो इनकी तारीफ़ इस तरह के कज़ी मूजबा काजबा को शामिल नहीं होती है हालांकि वो भी मूजबाही है इसी तरीके से जो इन्होंने गज़िया हमलिया शालिबा की तारीफ़ की वो गज़िया हमलिया सदक़ा को तो यकीनन शामिल है मगर काजबा को शामिल नहीं है मिसाल के तौर पे हमारा ये कहना कि इंसान हैवान नहीं है ये हमलिया हमलियालबा है मगर इनकी तारीफ़ इसके ऊपर सदी नहीं आती क्योंकि शालबा की तारीफ़ इन्होंने ये कज़िया में जो नस्बत है जो नस्बत हो वो ऐसी नस्बत हो ऐसी नस्बत है कि वहाँ ये कहा जाना सही हो कि मौज़ू ममूल नहीं है अब अल इंसान हो ले सब हैवान यहाँ नस्बत है मगर ऐसी नस्बत नहीं है ऐसी नस्बत नहीं है कि ये कहा जाना सही है कि इंसान हैवान नहीं है ये कहा जाना सही हो ये कहा जा जाना दुरुस्त हो ऐसी नस्बत नहीं है तो उनकी मुसनफ़ की ये तारीफ़ इस तरह के कज़ियलबा काज़बा को शामिल नहीं है नहीं है तो तो इनकी ये तारीफ़ जो हमलिया मौजबा की इन्होंने की हमलिया सालबा की की जामे नहीं है तो तारीफ़ में चेंजिंग होनी चाहिए शारे ऐसा कहते हैं हाँ यही कहना है तो ये कहिए कि कज़िया में अगर हुक्म है इस बात का कि मौजू महमूल है तो मूजबाँ है अगर हुक्म है इस बात का कि मौू महमूल नहीं है तो सालबा है अब ये कजिया हमलिया मूजबा सादिका कजिया हमलिया मूजबा शालिबा कजिया हमलिया कज़ीय हमलिया सादिका कज़िए हमलिया शालिबा काजबा सब को मतनाबिल है क्योंकि हमारा कौल अंसान हाजर यहाँ पर हुक्म है अमौुअ महमूल का इसलिए यह भी गजीय हमलिया मूजबा है ये भी गजीय हमलिया मूजबा है इसी तरीक़े से हमारा कौल इंसान हैवान नहीं है यहाँ पर हुक्म है अमौ वल महमूल का हुक्म है और हम सालबा इसी को कहते हैं कि जिसमें हुक्म नफी शय अनशय का हो जिसमें हुक्म इस बात का है कि मौजू महमूल नहीं तो इस बिना पर यह तारीफ़ इसको भी शामिल होगी तो अगर इसी तरीके से कहना है तो मूजबा और सालबा की तारीफ़ में यूँ कहना चाहिए बकौल शारे के हुक्म अगर इस बात का है कि मौजू महमूल है हुक्म अगर इस बात का है हुक्म अगर इस बात का है कि मौजू महमूल नहीं है अगर अव्वल हुक्म है तो मूजबा है अगर दो हुक्म है तो शालबा है इस तरीके से मूजबा और ालबा की तारीफ़ की जाएगी कजी हमले मौजबा और शालबा की तारीफ़ की जाएगी तो ये तारीफ़ जामे और माने रहेगी और तारीफ़ के लिए शर्त जामे और माने रहेगी तारीफ़ के लिए शर्त है कि तारीफ जामे भी हो माने भी हो ये जो मैं अर्ज़ किया देखिए शरत शार क्या कहते हैं अब मैं तर्जमा करता हूँ पूरी तकरीर कर चुका हूँ अकूल ये क़़ीय हमलिया की दूसरी तकसीम है नस्बत हुआ के अतबार से अलती ही है मतलो रबता नस्बत हु जो रबता का मदलूल है इसकी वजहत कर चुका तो वो नस्बत अगर ऐसी नस्बत है जहाँ अलमौु व महमूल बोला जाना दुरुस्त हो तो कज़िया मूजबा है जैसे हैवान की नस्बत इंसान की तरफ़ हमारे अल-इंसानों हैवान में क्योंकि ये नस्बत सबूत या है जहाँ ये बोला जाना सही है कि अल अनसानो हैवान उन और अगर ऐसी नस्बत है जहाँ ये बोला जाना सही हो कि मौज़ महमूल नहीं है तो वो कजिया क़़िया है जैसे हजर की नस्बत इंसान की तरफ हमारे इस कॉल में अंसानों लजर क्योंकि ये यह नस्बतिया है जहाँ यूँ बोला जाना सही है कि इंसान हजर नहीं है वहाँ जला यशमायलकाबा अब कह रहे हैं कि जो तारीफ़ मुसनफ़ ने की ये तारीफ़ क़़ाय कासबिबा को शामिल नहीं क्योंकि जब हम कहें अलसान व हजर तो ये नफसलमर में कजिय मूजबा है हालाँकि जो नस्बत इसमें है यहाँ ये कहा जाना सही नहीं है कि इंसान हजर है इसी तरीके से जब हम यूँ कहें इंसान हैवान नहीं है ये नफसलमर में कजियबा है हालाँकि जो नस्बत इसके अंदर है वो ऐसी नस्बत है कि ऐसी नस्बत नहीं है जहाँ ये कहा जाना सही हो कि इंसान हैवान नहीं है तो ये तारीफ गलत हो गई दुरुस्त तारीफ ये है कि हमलिया मूजबा और शालबा की तारीफ़ में यूँ कहा जाए कि हुक्म कज़िया में अगर इस बात का है कि मौजू महमूल है या हुक्म कज़िया में इस बात का है कि मौजू महमूल नहीं है अगर अव्वल हुक्म है तो मूजबा है अगर दो हुक्म है सालबा दो हुक्म है तो सालबा है तो अब तारीफ जामे हो जाएगी या यूँ कहा जाए कि अगर इका नस्बत का हुक्म है तो मूजबा है इंतज़ाय नस्बत का हुक्म है तो सालिबा है और ये बात बिल्कुल वाज है और एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए साबित मानी गई तो वो मूजबा है कभी एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए साबित मानी गई तो वो मूजबा है और एक चीज़ दूसरी चीज़ से मुंतफी मानी गई एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी की गई है एक चीज़ दूसरी चीज़ से बरतरफ मानी गई है तो सालबा قال وموضوع الهملية إن كان شخصا معين سميت مخصوصة بالشخص وإن كان كلية فإن بين فيها كمية أفراد ما صدق عليه الحكم ويسمى اللبس الدال عليها سور سميت محصورة ومصورة وهي أربعة أربعة لأنه إن بين فيها أن الحكم على كل الأفراد فهي الكلية وإما موجبة وصورها كل كقولنا كل نار حارة والمصالبة وصورها لا شيء ولا واحد كقولنا لا شيء أو لا واحد من الناس بجمعه فإن بعين فيها أن الحكم على بعض الأفراد فهي الجزئية وإما موجبة وصورها بعض وبعيد كقولنا بعض الحيوان أو واحد من الحيوان إنسان إما صالبة وصورها ليس كل وليس بعض وبعض ليس مطن और शरह में जो गुफ्तु आ रही है पूरी गुफ्तु जो मेन गुफ्तु है वो आपके सामने रखता हूँ फिर इबारत में जो उतार चढ़ाव होगी उसको इबारत के साथ इन करने की कोशिश करूँगा यहाँ कज़िय हमलिया की एक बार और तकसीम है अब तक वो तो तकसीम आप देख चुके मगर वाज़ रहे कि ये कज़ी हमलिया की तकसीम जो है वो मौजू के एतबार से मौजू के एतबार से होने का मतलब ये है कि किज़ हमलिया का मौजू कैसा है चजी है या कुल्ली है और अगर कुल्ली है तो अफराद पर हुक्म है या तबीयत पर हुक्म है इस एबार से तकसीम है क़ज़ हमलिया की तो समात फरमाए मगर इस समात फरमाने से पहले एक बात को अपने जहन में रखें क्या समात फरमाना कि मौजू के एतबार से कज़िया हमलिया के क्या अकसाम है कितने अकसाम हैं ये समात आपको फ़रमाना है इनशा इसे मैं बयान करूँगा पहले एक बात जहन में रख लीजिए तो इसको सुनने में आसानी रहेगी देखिए कज़िया में जो हुक्म लगता है हम जो किसी चीज़ पर हुक्म लगाते हैं तो कभी तो हुक्म चाहे ईजाब का हो या सालब का हो ये हुक्म कभी मौजू के अफराद पर होता है मौजू के मसदाक पर होता है और कभी हुक्म मौजू की तबीयत नफ़े मौजू पर होता है मौजू पर होता है अब पेचीदगी आपको ये होगी के मौजू है महमूल है हुक्म कभी मौजू के के पर हुक्म कभी मौजू की तबीयत पर समझ रहे। तो ये अफराद मौ के अफराद क्या है और नफ़े मौजू क्या है तो ज़रा उसको एक मिसाल से आप समझें जैसे मेरा ये कॉल क़लम तो ये जो लफ्ज़ कलम है इसका अपना एक मफहूम है और ये जो लफ्ज़ कलम है इसका मस्दाक है इसके अफ़राद हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि कलम बोल कर के हम अफराद कलम मुराद लेते हैं यह कलम वो क़लम ये मुराद लेते हैं और कभी नफ्स कलम मुराद लेते हैं अब आप कहेंगे कि कलम का मफहम और कलम के अफरा मफहूम क्या है तो सुनिए मसलन क़लम का मफहम है मायू तबो बही जिससे लिखा जाए वो चीज़ जिससे किताबत की जाए ये कलम का मफहम हुआ कलम का मस्ताक मसलन यह कलम कलम का एक फ़र्द है वह कलम कलम का एक फर्द है तो ये कलम के हैं तो आपने देखा अब एक मिसाल और रखता हूँ जैसे हम बोलते हैं कुल्लो इंसान हैवान तो इंसान मौजू है इंसान का अपना एक मफहम है और वो क्या है हैवान नातिक है तो इंसान का अपना एक मफहूम है इसी तरीके से इंसान का मिस्ताक है इंसान के अफराद है इंसान के यानी सदा का अल इंसान इंसान जिस पर शादी काता है इंसान किस पर शादी काता है जैद पर शादी काता है बकर पर शादी काता है खालिद पर शादी काता तो ये खालिद इंसान का एक फर्द है ये जैद इंसान का एक फर्द है मफहूम नहीं है तो आपको समझ में बात आई होगी कि शय का एक मफहूम होता है और शय का एक मिस्ताक होता है उसी मिस्ताक को हम शय का फर्द शय के अफराद भी बोलते हैं तो बात समझ में आई कि मौजू का एक मफहूम होता है मौजू का एक मफहम होता है और मौजू का एक मुस्ताक और अफराद होता ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए तो हमारे कौल कुल इंसान हैवान में इंसान मौजू है इंसान मौजू है इंसान का एक मफहूम है और वो हैवान नातिक है और इंसान का मस्ताक है वो जैद है अम्र है बग्र है इस कजिया में जो आप हुक्म लगा रहे हैं कुल्लु इंसान हैवान में हैवान होने का हुक्म लगा रहे हैं। हैवान होने का हुक्म जो आप लगा रहे हैं वो इंसान के मफहूम पर हुक्म नहीं लगा रहे हैं कि मफहम इंसान हैवान है ऐसा नहीं है बल्कि यहाँ पर हुक्म है किसके ऊपर इंसान के अफराद पर मतलब जिस पर इंसान सादिक है वो हैवान है इनिज़ैद हैवान है बकर हैवान है खालिद हैवान है तो मेरे ख़्याल से ये बात वाज हो चुकी होगी कि मौजू का एक मफहम होता है और मौजू का एक मजदाक होता ये दो अलग अलग चीज़ें हैं तो हम गुफ्तु इस सिलसिले में कर रहे थे कि मौजू के एतबार से कजिय हमलिया की चार किस्में शख्सिया तबिया महमला और महसूरा हैं महमला और महसूरा हैं यानी कजिय हमलिया इन चार किस्मों में मुनसर है उसकी क्या दलील है तो समात फरमा है आपको देखना पड़ेगा कि कज़ी हमलिया का मौजू जज़ी है या कुल्ली है तो ऐसा बोलिए कि किज़ी हमलिया का मौजू या तो जुज़ई होगा या कुल्ली होगा अगर अव्वल है यानी जज़ी है तो उस वक्त कजिय हमलिया का नाम शख्सिया रखा जाएगा जैसे हमारा कौल जैद्न आलिन् ये क़िये हमलिया है इसका मौजू जैद है और जैद जुजई है तो अब हम इस क़़िया को क्या कहेंगे शख्सिया कहेंगे क्योंकि इसका मौजू श शख़्स मुन है जजी है शख़्सिया ही को मखसूसा भी बोलते हैं इसी का दूसरा नाम मखसूसा भी है जैसे जैद अंधा नहीं है ये कज़ी हमलिया शख़्सिया है ये कज़ी हमलिया मखसूसा है क्यों क्योंकि इसका मौजू जुजी है तो आपने देखा कि कजिय हमलिया का मौजू कभी जुजी होता तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कज़िय हमलिया का मौजू या तो जुजी होगा या कुल्ली होगा अगर अव्वल है यानी जुजी है तो वो कज़िया शख्सिया है और अगर और अगर कुल्ली है क़़ीए हमलिया का मौजू कली हो तो ये दो हाल से ख़ाली नहीं है कि कज़िया में हुक्म या तो नफ़्स तबीयत मौजुअ पर होगा या हुक्म अफराद मौ पर होगा तबियत मौजू मफहम मौजू अभी मैं समझा चुका हूँ आपको इसी के लिए पहले मफहम और अफ़राद समझाया था तो कज़ीए हमलिया का मौजू अगर कुल्ली हो तो या तो हुक्म नफ़ तबीयत मौजुअ पर होगा नफ़ मफहम मौजुआ पर वही मफहम जो कहा था कि कलम का एक मफहूम है कलम का एक मिसदार के मिसाल के तौर पर तो या तो हुक्म नफ़ तबीयत पर होगा या अफ़राध मौ पर होगा अगर हुक्म नफ़ तबीयत मौजुअ पर हो तो उस क़िया का नाम तब यिया रखा जाता है इसलिए कि हुक्मनवे तबीयत मौजु पर है जैसे हमारा कौल अंसान ना जैसे हमारा कौल अंसान तो हमारा कौल अंसान नाऊन ये कजिय तब या है हमारा कौल अल है जिनसुन ये कजिय तब या है क्यों इसलिए कि नौयत का हुक्म जो आप इंसान पर लगा रहे हो नौ होने का जो हुक्म लगा रहे हो इंसान पर आप जो नौ होने को साबित मान रहे हो इंसान के लिए इंसान के लिए तो ये हुक्म अफराद पर नहीं हो सकता क्यों क्योंकि इंसान के अफराद में जैद है अम्र है बकर है और जैद नौ नहीं है अम्र ना नहीं है बकर ना नहीं क्योंकि नाओ तो वो कुल्ली होती है और जैद कुल्ली ही नहीं है बात ख़त्म हो चुकी आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो नौ उनका हुक्म उन नौ का हुक्म इंसान के मफहूम पर है इंसान की तबीयत पर है अफराद पर नहीं तो यहीं से आप ये बात समझ गए होंगे कि हुक्म कभी नफ़ तबीयत मौजुअ पर होता अफराद पर नहीं होता जैसे कि यहाँ पर ऐसे ही आपने जब कहा अल कहावान जिनसुन हैवान क्या है जिन्स है तो यहाँ पर हुक्म हैवान के अफरा पर नहीं है हुक्म हैवान के अफरा पर नहीं है बल्कि नफ्स तबीयत हैवान पर है अफराद पर क्यों नहीं हैं इसलिए कि हैवान के अफराद में इंसान है घोड़ा है और बैल है और गधा है और घोड़ा इंसान ये जिन्स नहीं क्योंकि जिन्स तो वो कुली होती है जो कसरीन मुख्तलफीन बिलक पर माह हुआ के जवाब में भूली जाए और इंसान ऐसा नहीं है फ़रस ऐसा नहीं है हिमार ऐसा नहीं है तो बात वाज हुई कि यहाँ हुक्म अफराद पर नहीं है बल्कि हुक्म नफ् तबीयत मौजुअ पर है इसी से ये बात भी समझ में आ गई कि कजिया में हुक्म कभी नफ़े तबीयत मौजू पर होता है इसको समझने में दिक्कत होती मगर इन बातों को सामने रखिए तो आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी कि हुक्म कजिया में कभी नफ़ तबीयत मौजू पर होता है जैसे हमारे इस कौल अलैवान जिनसुन में जिनसीत का हुक्म नफ़ तबीयत मौजू पर है अफ़राद पर नहीं है हो भी नहीं सकता तो गुफ्तु ये चल रही थी कि कजिय हमलिया का मौजू या तो जुजी होगा या कुल्ली होगा अगर जुजी है तो वो शख़्सिया है अगर कुल्ली हो तो दो से ख़ाली नहीं है या तो नफ्स तबियत मौजुआ पर हुक्म होगा या अफराधी मौजुअ पर हुक्म होगा अगर अव्वल है तो वो तबिया है इसलिए कि तबीयत मौजुअ पर हुक्म है और अगर दम है यानी ज़िए हमलिया का मौ कुल्ली है और हुक्म अफराद मौ पर है तबीयत मौ पर नहीं है तो हमलिया का मौ कुल्ली है और हुक्म अफराद मौ पर है तो ये दो हाल से खाली नहीं कि अफराद जिस पर हुक्म है कज़िया में अफराद जिन पर कज़िया में हुक्म है, उन अफराद की मकदार कज़िया में या तो बताई गई होगी या नहीं बताई गई होगी अफराद के मदार को क़ज़िया में या तो बयान कर दिया गया होगा या बयान नहीं किया गया होगा मकदार के बयान को छोड़ दिया गया होगा अगर कर नहीं किया गया तो वो मुहमला है कर दिया गया तो मैसूर आ गया तो ये चार किस्में हो गई फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ कज़िय हमलिया का मौजू या तो जुजी होगा या कुल्ली होगा अगर जुजी है तो शख्सिया है अगर कुल्ली हो तो दो से ख़ाली नहीं कि हुक्म तो या तो नफ्स तबीयत मौजू पर होगा या अफराध मौ पर होगा अगर नफ् तबीयत मौजुआ पर हो तो तब या है और अगर, अगर अफराद मौ पर अगर अफराद मौ पर हुक्म है तो ये दो हाल से खाली नहीं है कि अफराद की मकदार का बयान हुआ होगा अफराद की मकदार उस क़िया में बता दी गई होगी या नहीं बताई गई होगी अगर नहीं बताई गई तो महमला अगर बता दी गई तो महसूरा अब अफराद की मकदार बताई दी गई मिसाल के तौर पर बाज़ुल इंसान हाफिज़ हाफिजुन मौजू क्या है इंसान और ये मौजू है और हाफिज़ होने का हुक्म इंसान के अफरा पर है अफराद पर है नफ्स तबीयत मौ पर नहीं और अफ़राद की मकदार बता दी गई बात से कुछ इंसान हाफिज हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हुक्म जो है इस कज़िया में किसके ऊपर है अफराद मौ पर है और अफराद की मकदार का बात से बयान हुआ तो ये महसूरा है हुक्म तो अफराद पर है मगर उसकी मिकदार का बयान नहीं हुआ खूब काम देता है उन लोगों को जो गोल मोल बात करते हैं मसलन हमारा कॉल तलेब इल्म मेहनती है हुक्म तलेब इल्म के अफराद पर है मगर अफ़रा की मिकदार का बयान नहीं हुआ कि हर एक तलब इल्म मेहनती है या बस तलब इल्म मेहनती है तो ये मामला है तो ये कजिय हमलिया की चार किस्मों में मुनसर होने की दलील थी और दलील ही से हर एक शख्सिया तबिया महमला मसूरा हर एक की तारीफ़ भी आपको मालूम अब इन चार किस्मों में का सिर्फ महसूरा से बहस करते हैं बाकी से बहस नहीं करते क्योंकि उनके मकसद से बाकी मेल नहीं खाता महसूरा से बहस करते हैं याद रहना चाहिए ख्याल रहे आपको महसूरा में क्या होता है कज़ीय महसूरा का मौजू कुल्ली होता है हुक्म अफराद पर होता और इसमें अफराद की मकदार का बयान होता यही है महसूरा। तो जैसा कि आपने कहा हुक्म अफराद पर है और अफराद की मिकदार भी बताई गई तो अब हुक्म कैसा हो सकता तो हुक्म अफराद पर होगा तो या तो कुल अफराद पर हुक्म होगा या बाज़ अफरा पर हुक्म हो होगा जिस पर भी हुक्म हो होगा या तो ईजाब का हुक्म हो होगा या सलब का हुक्म हो होगा तो मैसूरा की चार किस्म हो गई चार किस्म हो गई अफराद तो कुल्ले अफराद पर ईजाब का हुक्म है तो उसका नाम है मूजबा कुलिया रख देंगे कुल अफराद पर सलब का हुक्म है तो उसका नाम हम सालबा कुलिया रख देंगे बाज़ अफरा पर ईजाब का हुक्म है तो उसका नाम हम मूजबा जुजिया रख देंगे बाज़ अफराद पर सलब का हुक्म है तो उसका नाम हम सालबा जुजिया रख देंगे तो मैसूरा की चार किस्में हुई मूजबा कुलिया मूजबा जुजिया सालबा कुलिया सालबा जुजिया शारे इसे समझाएँगे मैं अपनी तरफ़ से इसकी वजाहत करता हूँ मुझ लिया जैसे हमारा कौल कुल्लो इंसान इन हैवान ये मुझ देखिए तो यहाँ है क्या हैवानियत साबित मानी गई है इंसान के अफराद में से हर एक के लिए यानी महमूल को साबित माना गया मौजू के हर एक फर्द के लिए तो महमूल का सबूत है मौजू के हर एक फ़र्द के लिए तो महमूल को मौजू के हर एक फ़र्द के लिए साबित मानना ये ईजाद कुली है और ऐसा हुक्म जिसमें हो उसे मूजबा कुलिया कहेंगे तो आपने समझ लिया आप कि मूजबा कुलिया वो कजिया है जिसमें महमूल का सबूत मौसु के हर एक फ़र्द के लिए माना गया हो बलब से दिगर जिसमें एक चीज़ दूसरी चीज़ के हर फर्द के लिए साबित मानी गई वो मूजबा कुलिया है जैसे कुल्लो इंसान हैवान हैवानियत साबित मानी गई इंसान के हर एक फ़र्द के लिए लिहाजा ये मूजबा कुलिया है मूजबा जोसिया महमूल को साबित माना गया मौजू के बाज़ अफराद के लिए एक चीज़ साबित मानी गई दूसरी चीज़ के बाज अफरा के लिए एक चीज़ का इस बात है दूसरी चीज़ के बाज अफराद के लिए ये है ईजाब जुजी और ये बात जिसमें है वो मूजबा जुजिया है जैसे बाजुल बाज़ुलवान इंसान यहाँ इंसानियतित मानी गई हैवान है के बाद अफराद के लिए तो ये शलबे जुजिए है यहाँ हुक्म इस कजिया में हुक्म है एक चीज़ के सलब का एक चीज़ की नफ़ी का दूसरी चीज़ के बाज़ अफरा से इंसानियत की नफ़ी का हुक्म है इंसानियत मुनफ़ी बरतरफ मानी गई हैवान के बाज़ अफरा से ये है सालिबा चुसिया तो सालबा जुजिया का माना आपने समझा कि सालबा जुज़िया वो कज़िया है जिसमें एक चीज़ की नफ़ी मानी गई हो दूसरी चीज़ के बाज़ अफराद से यानी महमूल की नफी मानी गई महमूल का सलब माना गया मौजू के बाज़ अफराद से ये है सालबा जुजिया ये तो आपने समात फरमा लिया तो एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तो ये कह रहा था कि अगर एक चीज़ का सबूत माना गया दूसरी चीज़ के हर फर्द के लिए तो वो है मुजबा कलिया जैसे कुल्लो इंसान हैवान कुल्लो इंसान हैवान और अगर एक चीज़ का सबूत माना गया दूसरी चीज़ के बाज अफराद के लिए तो ये है ईजा बुज़ी ये है मुजबा जुजिया जैसे कि बाज़ुल हैवान इंसान ये है मूजबा जुजिया अब सालिबा कलिया मानते हैं अगर एक चीज़ का सलब माना गया दूसरी चीज़ के हर एक फ़र्द से एक चीज़ की नफी मानी गई दूसरी चीज़ के हर फर्द से दूसरे लफ्ज़ में महमूल की नफी मानी गई है मौजू के हर एक फ़र्द से तो यह है शलब कुल्ली और ऐसा हुक्म जिसमें है उसे हम सालबा कुल्लिया कहेंगे जैसे लाश इंसान बेहजार सालिबा लिया क्यों क्योंकि हजरियत की नफी मानी गई हजर होने की नफी की गई इंसान के हर एक फर्द से तो महमूल की नफी हुई, मौजू के हर फर्द से ये है कुलिया जुजिया में आ जाते हैं एक चीज की नफी की गई दूसरी चीज के बाद अफरा से महमूल की नफी की गई मौजू के बाज अफरा से तो यह है सालिबा जुसिया यह कजिया है सालिबा चुसिया जैसे बाज़ुल हैवान है लहसम इंसान यहाँ पर इंसान जो महमूल है उसकी नफ़ी की गई हैवान जो मौजू है उसके बाद अफराद से यानी एक चीज़ की नफ़ी है दूसरी चीज़ के बाद अफराज से तो आपने देख लिया कि महसूरा जो कजिय हमलिया की एक किस्म है मौसू के अतबार से और मनात का महसूरा से बहस करते शख्सिया तबिया महमला इनसे बहस नहीं करते क्योंकि ये उनके मकसद से मेल नहीं खाता तो महसूरा जिससे बहस करते आपने देख लिया कि महसूरा की चार किस्में हैं क्या मूजबा कलिया मूजबा जुजिया शालबा कलिया सालबा जुजिया अब जैसा कि आपने जाना कि महसूरा में अफराद की मकदार का बयान होता है तो वह जो या वह लफ्ज़ जो अफराद की मकदार को बताए वो लफ्ज़ जो अफराद की मकदार को बताने के लिए आता है उसका नाम मंतकी सूर रखते हैं तो मिसाल के तौर पर कुल इंसान हैवान में अफराद की मकदार को बताने के लिए लफ्ज़ आया है कुल मिसाल के तौर पर बाज़ुल हैवान इंसान में अफराद की मकदार को बताने के लिए आया है बाज मिसाल के तौर पर लाश है लाश मिनल इंसान बेहजर में अफराद की मकदार को बताने के लिए आया है लाश मिसाल के तौर पर लहीिसा बाज़ुल हैवान बे इंसान में अफराद की मकदार को बताने के लिए आया है लहीसा बाज़ तो ये कुल और लाश कुल और लाश और लहसा कुल बाज मिसाल के तौर पे ये जो हैं इन्हें क्या कहेंगे सूर कहेंगे तो सूर का माना आप समझ गए वो जो अफ़राद की मकदार को बताने के लिए आए उसे सूर कहते हैं ये लफ्ज़ सुरलबल से लिया गया है सुरुलबल बलद का हिसार किए रहता है अहाता किए होता है ऐसे ही ये अफ़राध की मकदार का अहात किए हुआ आता इसलिए इसे सूर कहते हैं तो महसूरा की चार किस्में हैं कुलिया, मुज़बा जुजिया सालबा कुलिया, शालबा जुजिया मुज़बा कुलिया का क्या सूर है मूजबा जुजिया का क्या सूर है तो अरबी जबान में मसलन मुज़बा कुलिया का सूर है कुल इसी तरीके से लामि इसतरा मूजबा जुजिया का सूर है बाज और वाहिद सालिबा कुलिया का सूर है लाशे ला वाहिद सालिबा कुलिया का और सालिबा जुजिया का सूर है लहसा बाज बाज लहसा कुल तो ये तमाम बातें आपके सामने वाजे हो गई अब तक मैं आपके सामने क्या क्या रखा एक बार पलटा देता हूँ अपनी आदत के मुताबिक मौजू के अतबार से कज़िय हमलिया की चार किस्में हैं शख्सिया तबिया महमला महसूरा मौजू के एतबार से कजी हमलिया चार किस्मों में मुनसर है उसकी दलील ये है कि या तो हमलिया का मौजूद जुजी होगा या कुल अगर जुजी है तो शख्सिया अगर कुल है तो वो नहीं या तो नफ़े तबीयत मौजू पर होगा या अरा पर होगा अगर तबीयत मौजू पर है तो तबिया अफराद मौ पर है तो अब मौजूद के अफराद की मिकदार का बयान हुआ होगा या नहीं हुआ होगा अगर हुआ हो तो मशसूरा है नहीं हुआ हो तो ममला है फिर बयान किया कि मशूरा की चार किस्में मौबा कुलिया मूलबा जुजिया सालबा कुलिया सालबा जुजिया और हरेक का मफहम बयान किया हर एक की मिसाल बयान किया

आप कहेंगे कि सुर जो आपने बयान किया तो शालबा जुजिया में लहसा कुल लहसा बाज़ बाज़ लहसा यह सबको आपने सालबा जुजिया का सुर कह दिया अगर ऐसा है तो क्या इनके दरमियान कुछ फ़र्क है हाँ फ़र्क है शारे उसको बयान करेंगे उस मौके पर मैं भी इन उसकी कुछ वजाहत करूँगा अब समात फरमाएं पूरी तकरीर आप सुन लीए मेरे ज़िम्मा सिर्फ तर्जमा करना है तर्जमा करना बाकी रह गया है वो मैं कर देता हूँ और लैसा कुल लैसा बाज लैसा के दरमियान फ़र्क है वो समझाने की जिम्मेदारी है इन शह वो आखिर में जब शायरे वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ गुफ्तु तुछ। कर लूँगा उस गुफ्तु तो का हासिल सिर्फ इतना होगा हाँ इनके दरमियान फ़र्क है फ़र्क करने में लहसा कुल को एक तरफ रखेंगे लहसाबाज बाज़ लहसा को एक तरफ रखेंगे इसको एक ग्रुप में डाला और लहसा कुल को एक ग्रुप में डाला और ये कहेंगे कि लहसा कुल और बाज़ बाज़ लहसा में ये फ़र्क है कि लहसा कुल रफ एजाब कुल्ली पर बिल बिलमक़त दलालत करता और शलब जुजी पर बिल बिल्ताम दलालत करता ये तो लहसा कुल का हाल है यानी लहसा कुल रफ ईजाब कुल्ली पर बिल बिलमकत और शलब जुजी पर बिल्ताम ये लहसा कुल का हाल हुआ और लहसाबाज बाज़, लहसा का हाल उसके बिल्कुल बाराक्स है यानी बाज़, बाज़ लहसा शलवे जुजी पर बिलमुबकर दलालत करता और अफे एजाब कुल्ली पर बिल्तज़ाम दलालत करता ये बात आएगी क़ाल आए। तो मौजूल हमलिया इनका न शख़्समुआ नाम मुसनफ़ कहते हैं मातिन कहते हैं कि और हमलिया का मौजू अगर शख़्स मुन हो जैसे कि जैदुलआलम जैद तो हमलिया का नाम उस वक्त जबकि उसका मौजू श शख्स मुन हो हमलिया का नाम मखसूसा रखा जाता और शख़्सिया रखा जाता है और अगर कुल्ली होमलिया का मौजू हम लिया का मौजू कुल्ली है अगर तो दो हाल से ख़ाली नहीं कि अफराद की मिकदार का उसमें बयान हुआ होगा या नहीं हुआ होगा फ़े इन कमी है तो अफराद मासद का अलहिल तो अगर उसमें मांद का अलक्म यानी अफराद की मकदार का बयान हुआ हो तो आगे कहेंगे सीत महसूरा व मशवरा उसका नाम मशूरा रखा जाता और उसी के नाम मशवरा भी रखा जाता वही उसमल लफ्ज़्दाल सूर और अफराद की मकदार पर दलालत करने वाले लफ्ज़ को सूर कहा जाता है वाह आरबाउ और महसूरा चार हैंफीहा अनुकम अलाकुल्ल अफराद फलिया मैसूरा चार हैं महसूरा की चार किस्में हैं ये बताना चाह रहे हैं मूजबा कुलिया मूझबा जुजिया सालबा कुलिया सालबा जुजिया क्यों उसकी दलील इसलिए लेर न हो ये नफीहा इसलिए कि अगर उसमें बयान कर दिया गया है कि हुक्म कुल्ले अफरा पर है तो वो कुलिया है अब कुलिया होगा तो दो हल से खाली नहीं या तो मूजबा होगा तो उसका सूर Earth... <situación> है कुल है जैसे कि हमारा कौल कुल्लु नारिन हारा में या सालिबा होगा हो तो उसका सूर लाश है और लावाहिद है जैसे हमारे इस कौल में लाश मिनन्नास बे जमात ला वाद मिनन्नास बे जमात और अगर उसमें बयान कर दिया गया है कि हुक्म बाजी अफराद पर है तो वो जुजिया है ये भी दो हाल से खाली नहीं या तो मूजबा होगा उसका सर बाज़ है उसका सर वाद है जैसे हमारा कौल बाज़ुलसान जैसे हमारा कौल वादी लैमान इंसान या सालिबा होगा और जुजिया या सालिबा होगा तो उसका सूर यानी सालिबा जुजिया का सूर लैसा कुल है और लैसा बाज है और बाज लैसा है कहते हैं या तो सालिबा होगा और उसका सूर लैसा कुल है और लहसा बाज है और बाज लहसा है जैसे हमारा ये कौल लहसा कुल्लु इंसान जैसे हमारा कौल लहसा बाज़ुल हैवान बे इंसान जैसे हमारा कॉल कौल बाहैवान लहसा बे इंसान <सथ> मुसन्फ़ कहते हैं हाजा तकसमसाल हमलिया ये हमलिया की तीसरी तकसीम है मौ के अतबार से तो हमलिया का मौजू या तो जुजी होगा या कुल होगा अगर हम लिया का मौजू जुजी हो तो कज़िया का नाम रखा जाता है शख्सिया और मखसूसा अब ये शख्सिया या मखसूसा या तो मूजबा होगा जैसे कि इंसान। देखिए इस कज़िया का मौजू जुजी है यानी जैद और हुक्म ईजाब का है तो ये शख्सिया मखसूसा मूजबा है या तो वो सालबा होगा जैसे कि जैद हजर नहीं है मौजू जैद है और वह जजी है और हुक्म सालब का है तो ये शख्सिया या मखसूसा सालबा है अब इस गज़िए का नाम मसलन मसला जैदालसान जैदाल बि हज़र इसका नाम शख़्सिया क्यों है मखसूसा क्यों है वजह तस्मिया बता रहे हैं लेकिन इसका नाम शख़्सिया रखा जाना इसलिए कि इसका मौजूद शख़्स मीन है मसला जैद है इसका नाम मखसूस रखा गया इसलिए कि इसका मौजू ख़ ख़ास है वलम मकान अब यहाँ पर एक ऐतराज़ होता है कि आपने कहा कि उन जैदांसानज़िय शख्सिया है आपने कहा उन इंसान मखसूस है क्यों क्योंकि इसका मौत शख़्स मुन है क्योंकि इसका मौजू मखसूस है ऐसा आपने कहा इस वजह से कजिया का नाम शख्सिया रख दिया एतराज़ ये है कि जनाब कजिया सिर्फ़ मौजू का नाम थोड़ो है अभी तो आप बता चुके कि़िया मरक्ब होता मौजू महमूल और नस्बत हुक्मिया से तो कजिया में अगर मौजू होता तो महमूल भी होता ठीक है मौजू जुजी है जैदुन इंसान में मगर तो महमूल तो जुजी नहीं है महमूल तो कुल्ली है समझ रहे हैं महमूल तो कुल्ली है तो फिर कैसे आपने इस पूरे कज़िये का नाम शख्सिया रख दिया तो उसका जवाब है उसका जवाब है कि चूँकि ये तकसीम मौ के अतबार से है इसलिए नाम रखने में मौजू का लिहाज किया गया दूसरे के लिहाज की ज़रूरत नहीं है का कानाजत तकसीम बेतबार मौजू और जब हम लिया कि यह तकसीम मौजू के अतबार से है तो अकसाम के नामों में मौजू के हाल का लिहाज किया गया है सवाल का जवाब हो गया और अगर कुल्ली हो और अगर कुल्ली हो हमलिया का मौजू तो ऐसी सूरत में मौजू के अफराद के अफराद की मकदार का बयान हुआ होगा मौजू के अफराद की मिकदार बताई गई होगी अफराद की मकदार यानी कुलतबाजियत बताई गई होगी या नहीं बताई गई होगी वल्लफुल अफराद की मकदार के बताने वाले लफ्ज़ अफराद की मकदार पर दलालत करने वाले लफ्स को सूर कहा जाता है मनतखियों के यहाँ ये सूर लिया गया है माखूज है सौर बबलद से सरबलद तो कहते हैं कि जिस तरीके से कि सूर ये बलद का हिसार किए हुए होता है उसे मुहित होता है इसी तरीके से अफराद की मकदार पर दलालत करने वाला लफ्ज़ अफराद की मकदार का हिसार किए हुए होता है उसे मुहीत होता है इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सूर कईन बो ये नफी हा कमियत विल मौजू तो अगर कजिया में मौजू के के अफराद की मकदार बयान कर दी गई है अगर कजिया में मौजू के के अफराद के मददार को बता दिया गया है तो उस उसज़िए का नाम महसूरा रखा जाता है और उसी का नाम मशवरा भी रखा जाता है महसूरा इसलिए रखा जाता है कि अपने मौजू के अफराद का वसार किए हुए रख होता है मुसवरा इसलिए रखा जाता है कि वो सूर पर मुश्तमिल होता है वही है अल मैसूरा और वह यानी महसूरा चार किस्में हैं महसूरा की चार किस्में हैं मैं दलील बयान कर चुका हूँ तर्जमा पे बस करता हूँ मैसूरा की चार किस्में हैंक्म फी इम कुल अफराद बाज बयान कर चुका हूँ तर्जमा करता तो मशूरा की चार किस्में हैं इसलिए कि मशूरा में हुक्म या तो कुल अफराद पर होगा या बाज़ अफराद पर हुक्म होगा या तो हुक्म कुल्ले अफराद पर होगा या हुक्म किस पर होगा बाज़ अफराद पर जिस पर भी हुक्म हो कुल अफराद पर हुक्म हो के बाज़ अफरा पर हुक्म हो या तो ईजाब का हुक्म होगा या शलब का हुक्म होगा तो अगर हुक्म उसमें कज़िया में कुल अफराद पर है तो वो कुलिया है ईजाब का है तो मूजबा है शलब का है तो सालबा है तो हो गया मूजबा कुलिया शालबा कुलिया तो वह कुलिया है या तो मूजबा होगा और मूजबा कसूर यानी मूजबा कुलिया का सूर क्या है कुल है ए कुल्लो वाहदिन वाहन इस तफसीर से इशारा कर रहे हैं कि मूजबा कुलिया का सूर जो कुल है कुल से मुराद कुल्लेफरादी है हर एक एक कुल्लो इंसान हैवान हर एक इंसान हैवान है तो यहाँ जो मूजबा कुलिया का सूर है वो कुल अफरादी है वो कुल मजमू नहीं है कल मजमू ये नाम है शमुल अज़ज़ा का तो वो हो मूजबा कुलिया का सूर नहीं है कहते हैं सूरह कुल मूजबा कुलिया का सूर कुल है यानी कल अफरादी है क्यों क्योंकि ये अहाते अफर, अफराद के लिए है इसलिए कुल से मुराद कुल अफरादी है कुल मजमू नहीं क्योंकि वो शमूल अज, अज़ा के लिए आता है तो यहाँ मुज़बा कुलिया का सूर कुल है और वाज रहे है कि कुल से मुराद कुल अफरादी है कुल मजमू नहीं है जैसे हमारा कौल कुल्ल नारन हारतन जैसे हमारा कौल कुल्ल वाहन बिन अफरादिन नार हारतन तो कजिया कुलिया है तो या तो मूजबा होगा उसका सूर फुला है या सालबा होगा या सालबा होगा कुलिया या तो सालबा होगा तो उसका सूर क्या है लाशे है और लावाहिद है जैसे, ला जैसे हमारे इस कौल में लाशे लाश मिनन्नासमत जैसे हमारे इस कॉल में लावाहिद लावाद मिनन्नासमत और अगर हुक्म कजिया में बाज़ी अफराद पर है कुल्ले अफराद पर तो देख चुके हैं मूजबा कुल लिया शालबा कुल लिया और अगर हुक्म बाज़ी अफराद पर है तो वो जुजिया है तो ईजाब का हुक्म होगा तो मूजबा जुजिया सालबा का हुक्म होगा तो सालबा जुजिया जुजिया या तो मूजबा होगा जुजिया अगर मूजबा है तो उसका सूर बाज़ है और वाहिद है जैसे हमारा कौल बाज़ुलवान इंसान जैसे हमारा कौल वादिनवान इंसान कहते हैं जैसे हमारा कौल बाज़ुलवान और वाहिद मिनल हैवान इंसान यानी बाज़ अफराद हैवान मैं तफसर कर चुका बाज़ अफराद हैवान इंसान हैं बाज अफराध हैवान है। है कुछ अफराद हैवान इंसान हैं या सालबा होगा तो जुजिया या तो सालबा होगा और उसका सूर है लैसे कुल लैसे बाज बाज बा जैसे हमारा कौल लकोवानसान ले कुल्लू हैवानिन इंसान और जैसे हमारा कौल ले स बाुल हैबान इंसान जैसे हमारा कौल बाज़ुल हैवान ले सा इंसान तो यहाँ तक आपने देखा आखिरी गुफ्तु के महसूरा की चार किस्में हैं मूलबा कुलिया मौलबा जुजिया सालबा कुलिया सालबा जुजिया ये चार किस्में हैं ये चार किस्में हैं और चार किस्मों में से हर एक का सूर भी आपको बता दिया गया अब लास्ट में जो सालबा जुजिया आपने सुना और ये बताया गया कि सालबा जुजिया का सूर लहसा कुल है लहसा बाज़ है बाज लहसा है ये सूर है क्या इनके दरमियान में कुछ फ़र्क है उस फ़र्क को शार बयान कर रहे हैं मैं कल इन उस पर गुफ्तु गुफ करूँगा आज का दर्स मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ वाखिर दावाना अनिलहमदिल्ला रबीमिन